नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में धातु प्रकरण। धातु क्रिया का सही रूप धातु कहलाती है। क्रिया का ओरिजिनल फॉर्म, क्रिया वह शब्द है जो कार्य किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य धातु कहलाता है। चलना, फिरना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना, गाना, रोना, सारे कार्य जो किए जाते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया का मूल रूप धातु होता है। आइए हम इस चीज को समझते हैं। जैसे कि पट, पट का अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात कोई कार्य किया जा रहा है, मेरे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात यह धातु है। और जब वह कार्य किया जाने लगता है, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा वह कार्य किया जाने लगता है, वह क्रिया बन जाती है, पढ़ता है, अर्थात पठती। किसी बच्चे के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समय पर पढ़ा जाने वाला, या किसी बच्चे के द्वारा उस किताब को पढ़ा जाना, जैसे राम पढ़ता है, हम लिखेंगे राम पढ़ती, अर्थात राम पढ़ता है। राम के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? राम के द्वारा पढ़ाई की जा रही है। इसमें अब हम जब धातु और क्रिया को समझ लेते हैं, तब अब हमारे पास आता है कि वह कार्य किस लकार में किया जा रहा है, किस काल में किया जा रहा है। हमने संस्कृत में टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी तरीके से हम हिंदी में पढ़ते हैं वर्तमान काल, अर्थात लट लगा।
मध्यम पुरुष, एक मिनट मैम, मध्यम पुरुष और तीसरा आता है उत्तम पुरुष। एक छोटा सा वाक्य है जिसके माध्यम से हम तीनों पुरुषों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम पुरुष में कौन से शब्द आएंगे, मध्यम पुरुष में कौन से शब्द आएंगे, उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आएंगे, इन चीजों को याद रखना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम सही और बहुत ही आसान भाषा में लें तो मैं, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सबके द्वारा, अर्थात जो कार्य हमारे द्वारा किया जाना है, मेरे द्वारा किया जाना है, ऐसे सभी शब्द उत्तम पुरुष में आते हैं। अहम् मैं, एकवचन। इसके बाद आता है आवाम, हम दोनों। द्विवचन और यहां पर आता है वयम, अर्थात हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब, ये मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा, हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो सभी शब्द उत्तम पुरुष में आते हैं। इसके पश्चात आता है मध्यम पुरुष, अर्थात जब हम अपने किसी कार्य से, अपने किसी अभिवादन से या हम सामने वाले व्यक्ति से डायरेक्ट बात करते हैं तब हम कहते हैं तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम्हारे द्वारा यह कार्य किया जाएगा, अर्थात यह चीज मेरे अतिरिक्त। जब वह कार्य किसी और के द्वारा किया जाता है, वह व्यक्ति यदि हमारे सामने है, अर्थात वह व्यक्ति मध्यम पुरुष में आता है। तुम, युवाम, तुम दोनों। और बहुवचन में आता है यूयम, अर्थात तुम सब। इसके पश्चात अंत में आता है प्रथम पुरुष, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, इन दोनों के अलावा संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण सर्वनाम शब्द, संपूर्ण शब्द जितने भी हैं, चाहे वह किसी को हम सर्वनाम के द्वारा संबोधित करें, किस तरीके से वह, उसने, उसके द्वारा, चाहे वह स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो या किसी व्यक्ति के नाम से, अर्थात वह अन्य तीसरा व्यक्ति जो हमारे सामने नहीं है उसको हम प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में लेते हैं। जैसे सः, वह। सः पुल्लिंग का शब्द है, इसका अर्थ होता है वह, और स्त्रीलिंग में इसी शब्द को सा कहते हैं। पुल्लिंग का शब्द है और यह स्त्रीलिंग का शब्द है और दोनों का अर्थ होता है वह। इसके बाद आता है तौ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में तौ एक जैसा ही चलता है, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों। और बहुवचन में ते, अर्थात वे दोनों और वे हम। यहां पर सबसे पहले
रखेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है याद रखने का, मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो, बाकी सब प्रथम है। याद रखने के लिए मैं उत्तम हूं अर्थात उत्तम पुरुष में मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो, जहां भी तुम शब्द आए, तुम नाउन हो, तुम शब्द आए वहां पर मध्यम पुरुष होगा, और बाकी सब चाहे वह राम हो चाहे वह मोहन वह हो यह हो ये सारी चीजें उत्तम प्रथम पुरुष में आती हैं। इसके बाद इसके साथ ही मैं अपनी अगली कक्षा में आपको समझाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।